हेलो प्लस वन क्लास गुड मॉर्निंग तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिमिटेशन ऑफ द लेविस थ्योरी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग तो हम भी हमने पीछे बात की थी लेविस कॉजल कंसेप्ट के ऊपर ऑक्टेट रूल के ऊपर बात की थी अब हम उनकी कमियों के ऊपर बात करेंगे कि इनकी कमियाँ क्या रही तो हम बात करें पहला कि इस थ्योरी ने के अनुसार जो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं मगर यहां क्वेश्चन रहा कि जैसे कि H2 के अंदर H और H जो अलग अलग एच एच एटम रहेंगे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अट्रैक्ट करेंगे द एटम इन द मोलिक्यूल्स लाइक द एच एंड सी एल टू आर हेल्ड टूगेदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट they do not contain the any ions and is no electrostatic force of attraction between them. So the second point rahega hamare paas it could not explain the formation of the molecule like the PCl5 SF6 yeh hai PCl5 SF6 H2SO4 इस प्रकार के मोलिक्युलों को ये explain नहीं कर पाया जहाँ पर central जो एटम था 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनों को रखता था इस थ्योरी ने ये बताया कि आठ इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है मगर इन इन स्ट्रक्चर्स में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं एच पीसीएल की बात करते हैं पहले हम बात कर रहे हैं PCl5 की बात करते हैं PCl5 में यहां पर देखिए जो फोस्फोरस होता है वन और यहां पर आ गया है टू थ्री फोर एंड फाइव ये पांच सी से जुड़ा हुआ है सॉरी एफ जो लगा लो ची पीसीएल सी एल फाइव चले पी सी पी एफ फाइव कह लें पी पीसीएल फाइव चलो मैंने यहां पी एफ फाइव की बात कर रहा हूं तो यहां पर देखें एक बॉन्ड के द्वारा दो आए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हुए जो शेयर किए गए वो दस इलेक्ट्रॉन हुए Create से ज्यादा चलेगी जैसे कि मैं बात करता हूँ एच टू एसओ फोर एच टू एस ओ फोर में हम बात करें तो ऑक्सीजन हो गया है यहां पर और यहां पर ऑक्सीजन हो गया है यहां पर ओ हो गया है ये एच हो गया है वन टू थ्री फोर और यहां पर देखें वन टू थ्री फोर और ये हो गया एच हो गया है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सल्फर को चेक करते हैं सल्फर के पास यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहां पर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सल्फर के पास आठ से ज्यादा हो गए हैं तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ये ऑक्टेट रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है जैसे कि हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास अनदर एग्जाम्पल हमारे पास था एस हम बात करते हैं एस में एस की बात करें तो यहाँ सल्फर आ गया है वन टू थ्री यहां देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एफ 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 देखिए एक जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस चारह बारह यहां पर भी बारह इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो यहां पर उनका रूल फेल होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहां पर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी चारों ओर क्यों बना रहा है और स्टेबल भी है तो दूसरे इन्होंने क्या कहा कि अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्ड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द बी एफ थ्री एल सी एल थ्री एंड बी सी एल टू इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन एट इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहां पर सेंट्रल एटम एट इलेक्ट्रॉन से लेस रख रहा है फिर भी स्टेबल है जैसे कि हम बात करें बी एफ थ्री की बी एफ थ्री में बात करें तो बोरोन हो गया वन टू थ्री एफ 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 यहां पर देखें एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां सिक्स इलेक्ट्रॉन है बोरोन के चार और जैसे कि मैं बात करूं BeCl2 टू Cl यहां आ गया एक सी एल यहां आ गया दिस इज द बीई सी एल टू तो एक दो तीन चार यहां पर चार इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये स्टेबल है जैसे कि एग्जाम्पल हो गया है हमारे पास एमजीसीएल टू एमजीसीएल एंड सीएल एक दो तीन चार चलो एमजीसीएल टू में तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कोवलेंट बॉन्ड यहां पर आ जा रहा है ये यह यहां पर एग्जाम्पल नहीं रहेगा इसके तो हम एग्जाम्पल ले एल सी एल थ्री ए एल वन टू थ्री सी एल सी एल एंड सी एल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देर इज अ सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इसकी वजह से ये यह भी यहां पर देखें स्टेबल है छह इलेक्ट्रॉन को रखते हुए तो ये आंसर नहीं रहे उनके पास में कि ऐसा क्यों हुआ तो जैसे कि हम बात करें नोबल गैस जो होते हैं वो पहले से ही अपना लिया आठ इलेक्ट्रॉन पूरा रखते हैं फिर भी वो देखें और जो क्रिप्टॉन हो गया है वो फिर भी हमारे पास आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करते हुए भी रिएक्शन करके वहां पर क्या बना रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं जैसे कि मैं बात करता हूं एक्सई की बात करता हूं तो एक्स में हम बात करें तो छ इलेक्ट्रॉन के साथ एक लोन पेयर रहेगा यहां पर एक्सी के पास यहां रहेगा एक लोन पेयर और छह बॉन्ड पेयर रहेंगे यहां पर एक दो तीन चार पांच एफ 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 और एफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां हो गई है बारह इलेक्ट्रॉन फिर भी स्टेबल है यहां पर और जबकि आठ इलेक्ट्रॉन ये पहले से ही रख रहा था तो ये आंसर उनके पास नहीं रहे इसलिए थ्योरी क्या हुई फेल हुई आगे ये कहता है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मैनी कोवलेंट मोलिक्यूल ये कई कोवलेंट मोलिक्यूलों की शेप को नहीं बता पाया जो सेप के बारे में इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया कि शेप कैसी रहेगी अरेंजमेंट क्या रहेगा तो इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये कुछ स्ट्रक्चर हमने दे रखे हैं जो यहाँ पर यहाँ पर देखें ये आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं ये भी आठ से ज्यादा पूरे कर रहे हैं ये आठ से कम इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं यहां नोबल गैस पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन रखता है फिर भी अपना कंपाउंड फॉर्मेशन में जाता है तो दे आर द लिमिटेशन ऑफ थ्योरी तो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि इस थ्योरी का जो सॉल्यूशन हुआ जो ये केसेस आए इनका सॉल्यूशन क्या बना तो आगे हम बात करेंगे आ, हमारे पास वैस्पत थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक यही था